कोरोना महामारी से दुनिया पूरी तरह उभरी नहीं थी कि एक नए वायरस ने डरा दिया है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ये वायरस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 10 से ज्यादा देशों में फैल गया है। आइए आपको इस वायरस के बारे में आपको बताते हैं। मंकी पॉक्स कितना कॉमन है? मंकी पॉक्स के वायरस का कारण होता है जो पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस है। ये सेंट्रल और पश्चिमी अफ्रीकी लोगों में देखने को मिलता है। इस वायरस के दो मेन स्ट्रेन हैं, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के लक्षणों की। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बुखार होने पर स्किन पर रैश हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में ये फैल जाता है। आमतौर पर हथेलियों और पैरों के तलवों पर ज्यादा होता है। रैश पर बहुत खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है, इसमें कई बदलाव होते हैं और आखिर में इसकी पपड़ी बन जाती है जो बाद में गिर जाती है, जिसके बाद घाव के निशान बन जाते हैं। ये संक्रमण अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों तक रहता है। वायरस कहाँ से हो सकता है? किसी संक्रमित शख्स को नजदीकी संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। सेक्स के दौरान ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स तक में जा सकता है। इसके अलावा ये वायरस जानवरों से भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है? अब तक इस वायरस के ज्यादातर माइल्ड यानी हल्के मामले देखने को मिले हैं, यानी मरीज की हालत इतनी खराब नहीं होती। कई बार ये चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसा होता है और कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। और अब सबसे मेन सवाल, इसके बड़े स्तर फैलने की कितनी आशंका है? इसका जवाब जानने के लिए इसकी हिस्ट्री समझना जरूरी है। दरअसल साल 1958 में सबसे पहले ये वायरस एक बंदर में मिला था, इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। 1970 के बाद से 10 अफ्रीकी देशों में छोटे छोटे आउटब्रेक हुए हैं। 2003 में अमेरिका में इस वायरस के मामले सामने आए थे। 2017 में नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, यहाँ 172 मामले सामने आए। और आखिर में मंकी पॉक्स का इलाज क्या है? मंकी पॉक्स के लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन ही मंकी पॉक्स से 85% तक बचाव कर सकती है। मंकी पॉक्स के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जताई है।